दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। आज हिंदू नव वर्ष गुड़ी पादवा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के स्वागत के लिए आज संस्कृति संवर्धन समिति की ओर से राज राजेश्वर मंदिर से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर महिला पुरुष विविध पारंपरिक परिधान में नजर आए और नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित दिखे। जीएमसी प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला से कोरोना संक्रमण की 99 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। वही इलाज करा रहे तीनों मरीजों को छुट्टी दे दी गई। अब एक भी एक्टिव मरीज नहीं है, इसलिए 2 साल बाद जिले को कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। महानगर पालिका की स्थापना के बाद सबसे अधिक कर वसूलने का रिकॉर्ड इस वर्ष बनाया गया। इस वर्ष 31 मार्च को एक ही दिन में 4,17,20,617 रुपयों की वसूली की। पिछले 10 वर्ष में यह सबसे अधिक वसूली रही है। परिवहन विभाग के निर्देश अनुसार सरकारी विभाग में आने वाले दुपहिया चालकों को हेलमेट का उपयोग करना आवश्यक है। बगैर हेलमेट आने वाले दुपहिया चालकों की जांच कर विशेष मुहिम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में कुल 176 बगैर हेलमेट के घूमने वाले दुपहिया चालकों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। मुद्रांक शुल्क तय करने के लिए बाजार मूल्य के अनुसार कर निर्धारण के लिए आर्थिक वर्ष 2022-23 की सूची तैयार की गई है, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा। ऐसी जानकारी अमरावती विभाग के प्रशासकीय सहायक संचालक नगर ने दिया है। इसलिए अब घर प्लाट दुकान खरीदी का खर्चा अधिक आएगा। जिला स्तरीय लोकशाही दिन व दिव्यांग की समस्या को हल करने के लिए दिव्यांग लोकशाही दिन का आयोजन सोमवार 4 अप्रैल को जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन सभागृह में किया गया है। ऐसी जानकारी जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने दी। डॉक्टर अर्चना की आत्महत्या के विरोध में अकोला के डॉक्टर आज शनिवार 2 अप्रैल को कार्य बहिष्कार करेंगे। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने राजस्थान के दौसा में आत्महत्या की थी। वह राजस्थान के दौसा स्थित आनंद हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत थी। गर्मी के दिनों में जिले की कुछ ग्राम पंचायत नागरिकों के जान से खिलवाड़ कर रही है। जिला परिषद विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जिले में 54 गांवों में पंचायतों में ब्लीचिंग पाउडर की खरीदी ही नहीं की है। जिला स्वास्थ्य प्रयोगशाला विभाग के अनुसार 86 गांवों के पानी के नमूने दूषित पाए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष पुलिस दल ने शुक्रवार को दुपहिया वाहन से अवैध देशी शराब ले जाते हुए नाकाबंदी कर कार्रवाई की। पुलिस को खबर मिली थी कि 2 लोग MH30BJ2819 क्रमांक की दुपहिया पर अवैध शराब ले जाने वाले हैं। इस खबर के बाद पुलिस ने रेलवे गेट समीप वाहन को पकड़ा, पर पीछे बैठा हुआ व्यक्ति भाग गया, जबकि वाहन चालक पकड़ा गया, जिसने अपना नाम अविनाश उपरवट बताया। जिले में लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक की संकल्पना से मुस्कान दस्ते का गठन किया गया था। इस दस्ते ने 21 से 31 मार्च 2022 के बीच 88 लापता लोगों की तलाश कर उनके चेहरों पर मुस्कान ला दी है। इनमें 55 महिलाएं, 30 पुरुष, 2 अपहृत लड़कियां और 1 लड़का शामिल है। दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।